नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। हम अक्सर लोगों को उनके पहनावे या हुलिये से आंकते हैं। जरूरी नहीं सड़क पर भीख मांग रहा भिखारी बचपन से ही भिखारी हो, वो कोई अफसर भी हो सकता है। ऐसा ही मामला ग्वालियर में सामने आया। मामला 10 नवंबर चुनाव की मतगणना की रात का है। रात करीब 1:30 बजे सुरक्षा व्यवस्था में तैनात डिप्टी SP रत्नेश सिंह तोमर और विजय सिंह को सड़क के किनारे ठंड में ठिठुरते और कचड़े में खाना ढूंढ रहे एक व्यक्ति दिखे। वो एक भिखारी था। एक अधिकारी ने उसे जूते और दूसरे ने उसे अपना जैकेट दे दिया। जब दोनों अधिकारी वहां से जाने लगे तो भिखारी ने डिप्टी SP को उनके नाम से पुकारा और कहा कि कहां जा रहे हो, जिसके बाद दोनों अधिकारी अचंभित हो गए। उन्होंने पलटकर जब गौर से भिखारी को देखा तो उनके होश उड़ गए। वो भिखारी उनके ही बैच का सब इंस्पेक्टर मनीष मिश्रा था, जो 10 साल से सड़कों पर लावारिस हालत में घूम रहा था। उसके कई बैचमेट उसका इलाज कराने के लिए फिलहाल आगे आए हैं। जिस दिन मनीष का पता चला उसी दिन दोनों अधिकारियों ने उन्हें एक समाजसेवी संस्था में भिजवा दिया था, जहां मनीष की देखभाल के साथ साथ उनका इलाज जारी है। ट्विटर पर कई अधिकारी उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। दोनों ही डिप्टी SP के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। आपको बता दें कि बतौर डिप्टी SP मनीष के भाई भी थानेदार हैं और पिता और चाचा IPS अधिकारी रह चुके हैं। उनकी एक बहन दूतावास में अच्छे पद पर तैनात है। मनीष की पत्नी से उनका तलाक हो चुका है, वो भी न्यायिक विभाग में पदस्थ है। फिलहाल मनीष के इन दोनों दोस्तों ने उनका इलाज फिर से शुरू करा दिया है। ग्वालियर के झांसी रोड इलाकों में सालों से सड़कों पर लावारिस घूम रहे मनीष सन 1999 पुलिस बैच के अचूक निशानेबाज थानेदार थे। मनीष दोनों अफसरों के साथ 1999 में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे। दोनों डिप्टी SP रत्नेश सिंह तोमर और विजय भदौरिया ने इसके बाद काफ़ी देर तक मनीष मिश्रा से पुराने दिनों की बात की और अपने साथ ले जाने की जिद की, जबकि वो साथ जाने के लिए राजी नहीं हुए। आखिर में समाजसेवी संस्था से उसे आश्रम भिजवा दिया गया, जहां अब उनका बेहतर इलाज चल रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि मनीष मिश्रा अपने ज़माने में अचूक निशानेबाज थे। बाद में उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और वो सड़कों पर और फुटपाथ पर रहने लगे। पुलिस की नौकरी में वो लावारिस घोषित हुए। उनका कोई अता पता नहीं चल रहा था। फिलहाल उनके ही बैच के दो अधिकारियों ने आखिरकार अपने बैच के अधिकारी को ढूंढ निकाला। फिलहाल इस घटना के बाद दोनों अधिकारियों की जमकर तारीफ हो रही है। ज़्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।